एंड 101 101 फॉर द सप्लाई ऑफ द मटेरियल फॉर द कंक्रीट फॉर वर्क रेइंफोर्समेंट द प्लानिंग द कंक्रीट द रिमूवल फ्रॉम द वर्क एंड द क्यूरिंग ऑफ द कंक्रीट द नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड ऑफ बार चार्ट ईच रिक्वायर्ड इन बार चार्ट ईच 3 आंसर क्या होगा इसका 3 द कार्बोनेशन इज अ कोल कंसिस्ट ऑफ कार्बोनेशन इज अ कोल इज अ कंसिस्ट ऑफ देखिए कार्बोनेशन क्या है था एक तरह का प्रोसेस है कन्वर्टिंग द ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू द कार्बन एंड द कार्बन कंटेनिंग रेसिड्यूज देखिए कार्बन कंटेनिंग रेसिड्यूज देखिए तो इसका तो मेन काम क्या है इसका द कन्वर्टिंग द ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू द कार्बन एंड द कार्बन कंटेनिंग रेसिड्यूज इसमें तो कोई ऐसा ऑप्शन ही में नहीं है ठीक है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन ऑफ एबो इफ द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन पी वी के पावर एन बाई सी देन द प्रोसेस इज कॉल्ड देन द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं ये मैं इसके अनुसार बोल दिया वो होता है आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ठीक है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ठीक है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोलते हैं इसको ठीक है पी वी के पावर एन बाई एन इज इक्वल टू सी सी इज द कांस्टेंट ओके तो कांस्टेंट प्रेशर फोर्स प्रेशर प्रोसेस and the behavior of a perfect gas the undergoing the any change in the variable which control physical property is governed by which governed by boyle law charles law gay-lussac law all of above ye sab ke tarah milta hai theek hai boyle's law charles law gas sab ke tarah milta hai which of the flowing gas has the highest calorific value which gases has the highest calorific value वो है आपका कोल गैस वो है आपका कोल गैस ये ब्लास्ट फर्नेस गैस नहीं होता मोल्ड गैस नहीं होता प्रोड्यूसर गैस नहीं द वर्क रेशियो है टरबाइन प्लांट इज गिवन बाय द वर्क रेशियो प्लांट गिवन बाय नेट वर्क फोर्स आउटपुट द वर्क डन बाय टरबाइन द नेक्स्ट है Which statement above the series RC circuit is true? Is true the current leads to the source voltage. Current leads to the source voltage. B. Again the simple rotating loop between the pole four phase they connected to the A battery then the transistor through a switch. The connected to a battery then the transistor through the switch then as a specification of this machine a radius is equal to 0.5 meter length 1 meter resistance 0.3 m and the magnetic strength 0.25 volt and then the supply with 120 volt the suddenly a switch close at the t time t is equal to 0 what the observed that time the current will follow and the emf will also increase the answer is jagat d Answer is D. And what is the collector current from the EI centrifugal and with a beta of the 100 then the base current is 30 mu angstrom. The answer will be 3 mega angstrom. And how much current will be flow in the 100 hertz series RLC circuit in the V is equal to ये इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसका जो आंसर है वो है आंसर 2.247 mA 111 के लिए आपको भी सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है इसका आंसर बता दो इसका आंसर है बी ठीक है सॉल्यूशन आपके लिए सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा 112 ठीक है व्हेन ए सिलिकॉन डायोड इज द फॉरवर्डेड द बेसिड एंड द व्हाट इज द बीईवी फॉर ए सीई कॉन्फिगरेशन इसका होता है 0.7 वोल्ट ठीक है The input of the resistance in the base of a emitter floor is usually very high. Answer क्या हो जाएगा इसका? Usually very high. And the when the frequency of the voltage applied in the RC circuit, then the decreases with the independence increase.
आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज, आंसर हो जाएगा ए 115. द कॉम्प्लेक्स प्लेन द नंबर 4+J3 इज लोकेटेड इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट फोर्थ कोऑर्डिनेट नहीं होगा, ये लोकेटेड इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट. वन नेक्स्ट, इफ द V1 द प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज, E1 इज द प्राइमरी इंड्यूज EMF, then the ideal transformer. Ideal transformer is the V1 is equal to E1. Answer हो जाएगा B. And what should be the happen the power transfer the design for the operation 50 gigahertz frequency and the were connected to the 500 gigahertz frequency source of the same voltage. Transformer may start smoke and the burn. Okay. ट्रांसफार्मर में स्टार्ट टू द स्मोक एंड द बर्न. इन ए ऑटो ट्रांसफार्मर द प्राइमरी और सेकेंडरी डैश आर द कपल द मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिकली. आंसर हो जाएगा इसका सी आपका 119. द इंडिपेंडेंस रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द टर्म्स रेशियो, स्क्वायर ऑफ द टर्म्स रेशियो. देन ए टाइप ऑफ बॉन्ड इन द ब्रिक्स मेसनरी विच इज द क्रॉस द कंसिस्ट ऑफ द अल्टरनेट हेडर एंड द स्ट्रेचर इज नोन एज फ्लेमिक्स बॉन्ड होता है. ये कौन सा होता है, फ्लेमिक्स बोन. एंड द पॉइंट्स ऑफ द ब्रिक्स मेसनरी, ठीक है, इज द कॉर्नर जंक्शन ऑफ द वॉल. ये कहाँ होता है, कॉर्नर जंक्शन ऑफ द वॉल. सो यस, इफ आर इज द राइज, जी इज द गोइंग टू द स्टेयर, द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द फिक्स राइज इन गोइंग टू द 2R+G, द शुड बी बिटवीन द 1550 टू द 650 mm. द मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट यूज द बेस कोर्स इन द ग्राउंड फ्लोर इज Age ground floor is of 40 mm. Okay. The flying so are the used for the strength of the strength of the two adjacent wall. Is the strength of the two adjacent wall. Answer is jaga iska B. 124 ka B. 125. When the large opening are to be the main of the existing wall, the types of the temporary work used is the dead saw. Dead sore. The water required per day per bed in the hospital is 45 liter. Which one of the following is not a type of the trap used in the plumbing? Is the Z type. And the cement to the dry sand proportional recommended for the plastering concrete surface is, plastering concrete surface is 1:6. The gauge cement mortar consists of cement, lime and sand. And which of the following does not belong the इंडोजेनियस ट्री. ये तो इसका आपका आंसर हो जाएगा टिक. इंडोजेनियस इसका क्या हो जाएगा, टिक. एल्यूमिना इन द ब्रिक्स अर्थ गिव्स टू द ब्रिक प्लास्टिसिटी इंपार्ट करता है, ठीक है, प्लास्टिसिटी इंपार्ट करता है. ये जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, जो मैं BMD यानी बेंडिंग मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे 3 सीरीज में, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आपको उठा के पूछ लिए गए हैं. कोई इसमें कोई चेंजेस नहीं है. पैलेट बोर्ड यूज्ड टू द फॉर द टेबल माउंटिंग ऑफ द ब्रिक्स, ठीक है, फॉर द टेबल माउंटिंग ऑफ ए ब्रिक्स, ठीक है, पैलेट बोर्ड उसको बोलते हैं जहां पे टेबल माउंटेड ऑफ ब्रिक्स. व्हेन फैट लाइम इज द स्लैक its volume increases by 2 to 2.5 times. Direct question, बिल्कुल एकदम सटीक question, वहीं एकदम, एक भी question इधर उधर नहीं है. जो building material का जो MCQ मैंने BPSC यही से पहले बनाया था, direct question वहीं से उठा के पूछिए.
the process of the adding the water to the quick lime in the water to convert into the hydrated lime is known as slacking. ठीक है, is slacking. The rotary kiln used in the manufacture of cement rotated at a speed of 1 rpm to the 3 rpm. 1 rpm to 3 rpm. The finest modulus is is an index which gives the mean size of the aggregate and use in a mix. Answer हो जाएगा इसका C. Again है, इसको मिलान करना है, ये भी वही से क्वेश्चन, डायरेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन मैंने वहां पे इंक्लूड किया था और डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आया ये. 180. The cambium layer is the thin layer of the fresh sap and the pitch जो है आपका ये है इनर मोस्ट पार्ट एंड द हार्डवुड एट द पोर्शन ऑफ द सराउंडिंग पिच एंड द सैपवुड द यंगेस्ट लेयर. आंसर हो जाएगा इसका बी. एंड द बाय कैल्सिनाइजिंग एंड द स्मेल्टिंग द आयरन ओर्स इज द क्रूड एंड द इम्प्योर फ्रॉम द आयरन ऑब्टेंड इज नोन एज पिग आयरन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द high duty bricks should be more than 40 newton per mm square. 40 newton per mm square. If f is the focal length and I is the stadia here, the interval and the d is the distance. इसका आंसर हो जाएगा f by I. ठीक है, focal length by stadia here. And then the tegmometry, if intercept taken the vertically held the staff inclined at Q, then the horizontal distance KS plus C. KS plus C नहीं होगा, KS plus 2Q plus C cos Q. Answer हो जाएगा इसका C. Answer हो जाएगा इसका C. External focusing telescope with a analytics lens for the trigonometric survey. The additive constant is additive constant is zero. 44. The sag of the minimum of the stoppage distance that determine the assumption is the headlights dash is the beam tilted and the upward angle dash is the tilted upward point. ये है 0.75 meter and the 1 degree. ठीक है, 0.75 मीटर एंड 1 डिग्री. मैच, अगेन मैच का क्वेश्चन है आपका. जीटीएस बेंचमार्क, देखिए जीटीएस बेंचमार्क जो है वो सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है, जीटीएस बेंचमार्क द सर्वे ऑफ इंडिया. ओके, एंड देन द परमानेंट बेंचमार्क स्टेट पीडब्ल्यूडी. ठीक है, एंड द आर्बिट्री बेंचमार्क the survey team is beginning of the project and the temporary benchmark is the survey team in the day of the work. Answer ho jayega iska D. Answer ho jayega D. 146 ka answer ho jayega aapka. Theek hai, coordinate system ka hai. Theek hai, iska answer bata deta hu aapko agar solution ke liye ya fir wo aap PDF dekh lijiyega. Theek hai, 146 iska answer ho jayega A. Iska answer ho jayega A. 47 का हो जाएगा द स्पिरिट टेस्ट. ठीक है, स्पिरिट टेस्ट इज द चेक विच ऑफ द फ्लोइंग परमानेंट एडजस्टेंस ऑफ द थियोडोलाइट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज द परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस. इसका आंसर हो जाएगा बी. हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज द परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस. द थियोडोलाइट कंसीडर्ड टू बी द प्रॉपर कंडीशन इफ प्रॉपर कंडीशन इज the axis plate is the perpendicular vertical axis. बिल्कुल सही बात है. the trinium axis is the perpendicular vertical axis. सही है. and then axis is the equatorial axis. इसका आंसर हो जाएगा डी. 148 का आंसर हो जाता है. the pick of the correct features of the accidental error of the surveying. ठीक है, accidental error of the surveying is the positive negative error will occurs with the equal to frequency and the small errors occurs with the more than frequency. okay, the large error is not occurs and then the answer is all of above.
and the reading taken from the end instrument station, the benchmark is 100 allele is 1.2. Then the reading taken at the next station 1.7. Then the RL of next station, the RL of next next station kya ho jayega aapka? Ye ho jayega 99.50. To ye the dosto aapke 150 question ke solution UPSC AE ke jo 15-9-2018 ko pucha gaye the. Jo isme numerical type question hai uska jo solution hai, सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लाइक सब्सक्राइब करके बताइए. अगले और जो बिहार का एक सेशन चल रहा है उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए.